किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जब मैंने इसकी कटिंग की थी, बहुत गहरी कटिंग की थी, तब की इसकी वीडियो देखिए और आपको आज जो मैंने उस समय कहा था वो सारी बातें सत्य प्रतीत हो गई, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही दिखाता हूँ। ये अलाहाबादी सफेदा का पेड़ था और मैंने दिखाया था कि इस पर जब मैंने गहरी कटिंग की थी फरवरी में तो इस पर कोई भी अमरूद नहीं आया था। अब देखिए, उस समय एक बात और कही थी कि ये जो शाखाएं हैं, जो ये शाखाएं हैं, ये लगभग 2 फीट की हो जाएंगी और तब मैं इनकी कटिंग करूंगा और इसमें सर्दियों के अमरूद। मैंने ये भी बताया था कि ये 2 फीट की करने के लिए आपको किस किस चीज़ का स्प्रे करना पड़ेगा। आप देखिए, ये टहनी 2 फीट से भी बड़ी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट होगा और ये लगभग 2.5 फीट की हो गई है। अब हम इसमें सर्दियों के अमरूद लेने की कटिंग करेंगे। इस पौधे में देखिए कि जब हम इतनी गहरी कटिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं हम रीजुविनेशन, यानी पौधे का पुनरुत्थान करना। जब पौधे अगर आपने अधिक सघनता से लगाए हुए हैं, यानी हाई डेंसिटी पर हैं, तो आपको उन्हें छोटा किस प्रकार करना है, उसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। चूंकि फुटान बहुत अधिक होती है तो थिनिंग का कार्य भी आपको करना पड़ता है। अब देखिए, नीचे से शुरू करते हैं। ये नीचे जितने भी हैं इन सबको हम हटा देंगे, क्योंकि जितने नीचे हैं ये कम से कम 1 फीट तक जो भी टहनियाँ नीचे जमीन पर लग रही हैं उन सबको आप हटा दीजिए। जितने भी जमीन पर लग रही हैं उन सबको हटा दीजिए आप। इसका फायदा ये होगा आपको कि जो जमीन से कीड़े होते हैं, और बरसात में मिली बग का बहुत प्रकोप होता है और मिली बग जमीन से चलती है, तो आपको ये दूर रखने हैं और यहाँ पर सफाई रखनी है। तो जितने भी 1-1.5 फीट तक हैं इन सबको आप हटा देंगे, इनको नहीं रखेंगे। और जितने भी ये बारीक हैं, जो पेंसिल से बारीक हैं, उन सबको हटा देंगे। जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ, इन सबको हटा देंगे। अब जो हमारी टहनियाँ हैं, देखिए ये इसकी पहचान है, ध्यान से देखिए कि ये भूरे रंग की हो गई है, यानी पक चुकी है। तो इसको आधी रखकर यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब इसमें यहाँ से कल्ले निकलेंगे, आपको पत्ते हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत है, ये हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये आप इनको करते चलिए, इस प्रकार देखिए। जो बारीक हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है टहनियाँ, आपको कम ही रखनी है। जो बारीक हैं उनको हटा दीजिए और जितनी भी ये हैं, जितनी छोटी रखेंगे उतनी ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जब इनमें से कल्ले निकलेंगे तो इतनी संख्या में होंगे कि एक टहनी से कम 6-6 निकलेंगे और ये पूरी भर जाएगी। तो आप इसको करिए और इसके बाद में आपको इसमें बचाव के लिए, किस बचाव के लिए, कि जो कोई फंगस ना आए, तो COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं पूरा हटा देता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ और ये भी पूरा हटा। ये भी ध्यान रखना है कि कल्ले इतने अधिक नहीं आए कि वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करें, यानी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें। इस टहनी की मैंने कटिंग कर दी थी कुछ दिन पहले, ये देखिए यहाँ से कटिंग कर दी थी मैंने, ये देखिए यहाँ से कटिंग करी, तो इसमें से 2 कल्ले निकले थे और फूल भी आ गए थे, तो इसको मैं दोबारा से हटा दूँ और यहाँ से नए कल्ले निकलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं, ये ध्यान रखना है कि जितने भी शाखाएँ रखेंगे आप
उतनी शाखाएं होनी चाहिए ताकि बीच में प्रचुर मात्रा में आपका धूप जाए। किसान साथियों, यह है मेरा ललित का पेड़। इसका भी मैंने पुनरुत्थान किया था और देखिए कितनी अच्छी इसकी कैनोपी बनी हुई है। इसमें भी मैंने यही कहा था कि ये 2 फीट से ज़्यादा हो जाएंगी टहनियाँ और मैं 15 जून के करीब इसकी कटिंग करूँगा। ललित इतना अच्छा पेड़ है कि घर में खाने के लिए इससे अच्छा मेरे को अमरूद नहीं लगता। आप देखिए इसके अंदर कितने अमरूद आए हैं। इस पर लगभग 100 के करीब अमरूद होंगे आज भी। ये अमरूद जो हैं देखिए कितने बड़े हो गए, नींबू के आकार के हो गए और ये आपको जुलाई के एंड या अगस्त में आपको मिल जाएंगे। अगस्त से शुरू हो जाएंगे मिल जाएंगे। अब हमें लेने हैं सर्दियों के अमरूद। उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए तो इसमें यहाँ पर कहीं कल्ले पे निकलेंगे, उसके जो नए कलियाँ निकलेंगी और उस पर अमरूद आएंगे। दूसरा ये है कि इसकी थोड़ी कटिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इसकी वानस्पतिक वृद्धि यानी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी और यहाँ से फुटान होगा। देखिए इस टहनी पर कोई भी अमरूद नहीं है तो इसमें से एक ही टहनी निकली हुई है, इसको हटा दीजिए और इस टहनी को यहाँ से कट कर दीजिए, छोटी कर दीजिए। इस टहनी पे कोई अमरूद नहीं है, इसको हटा सकते हैं और इन पे अमरूद है, इनको हम छोटा कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन अमरूदों के ऊपर थोड़ी छाया रहनी चाहिए, तो जितनी भी ये टहनियाँ हैं इनको आप हटा सकते हैं और आपके इनसे भरपूर अमरूद आएंगे। एक ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर अमरूद आए हुए हों, अमरूद तीसरे चौथे पत्ते पर आता है तो उसके बाद कम से कम 1, 2, 3, 4 पत्ते अवश्य छोड़े जिससे कि इन फलों के ऊपर छाया बनी रहे। और इस ललित में अवश्य अमरूद आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अमरूद कैसे हूँ। ये जो अंदर वाली हैं इनको थोड़ा सा आपको करना है कि थोड़ी धूप आए। इससे क्या होगा कि आपकी जो फंगस वगैरह है उसका प्रकोप नहीं होगा। ये देखिए एक ग्रुप में था, वहाँ पर किसी भाई के इसी प्रकार थे तो उसने कहा कि अब मैं सर्दियों के अमरूद लेने के लिए क्या करूँ, तो वहाँ पर उसको मना कर दिया गया था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्यों मना किया है उसे। थोड़ा सा उनको उसकी कैनोपी बहुत अच्छी थी लेकिन वो कैनोपी बहुत भर गई थी, बहुत घनी थी और इतनी घनी भी कैनोपी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अमरूद में फंगस का प्रकोप होगा। ये देखिए ये मैं कर रहा हूँ। किसान साथियों, जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये मेरा पिछले 5 साल का अनुभव है और मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि इस पर कितने अमरूद आएंगे। किसान साथियों, घर पर हमारे पास जगह कम होती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी भी अमरूद का पेड़ जो आपकी दक्षिण की दीवार होती है उसके पास नहीं लगाना है, या जो पूरब की पश्चिम की दीवार होता है बिल्कुल उसके पास भी नहीं, क्योंकि ये 2 दिशाएं उसे सर्दियों में धूप से रोकती हैं। और दीवार से कम 3 या 4 फीट दूर पेड़ लगाए। कुछ लोग बिल्कुल दीवार के पास लगाते हैं, जगह कम रखते हैं और फिर मुझे भेजते हैं कि जी मेरा पौधा मर रहा है, इसमें फल नहीं आ रहा। किसान साथियों, जो मैंने किया आपको फल भी दिखाई, देखे कितने फल आ रहे हैं इस पर। और मेरे परिवार के लिए ये फल बहुत हैं, आप देखिए। और मैं सर्दियों के भी अमरूद दिखाऊंगा इसमें। आप भी इस प्रकार अच्छे फल ले सकते हैं, अपने पौधे को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे छोटा रख सकते हैं। घर में हमें छोटा रखना है या जिन्होंने सघन बागवानी करनी है वो भी छोटा रख सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।